बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्वेश्चंस आंसर के आज हम दूसरे एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्वेश्चन आंसरिंग का जो सिलसिला था वो बहुत पहले से मैंने शुरू करने का सोचा हुआ था, इवन मैंने अपना ईमेल भी दिया था, लेकिन उस ईमेल में इतने ज़्यादा ईमेल आए कि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उन पर वीडियो बना सकूँ। तो आज से पहले भी हमने स्टार्ट किया था, कोशिश की थी कि हम पहली ईमेल से स्टार्ट करें, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली एक वॉइस मेल थी और बड़ी अर्जेंट थी जिस पर वीडियो बनानी थी, तो मैंने बना दी। तो आज जो ईमेल आपके साथ शेयर की जा रही है, मेरे ख्याल से ये अगस्त के महीने की है, तो मैं लेट हो गया, उसके लिए माजरत। वेल, ईमेल के साथ मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम इन अ सेंस आ जाएगी कि ईमेल में ना बहुत सी चीज़ें जो वो क्लियर नहीं हो सकेंगी, तो इसलिए मैंने एक व्हाट्सएप नंबर का अरेंज किया है, अलग व्हाट्सएप नंबर का अरेंज किया है। इसमें आपने सिंपल सा ये करना है कि अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको इन डिटेल, कोशिश करें कि वीडियो की लेंथ आपकी 5 से 10 मिनट के दरमियान हो, कोशिश करें कि आप जितना डिटेल में बता सकते हैं स्टार्ट करें कि क्या चीज़ें आपको फेस करना पड़ रही हैं, कब से करना पड़ रही हैं, क्या करते हैं आप, आपकी रूटीन लाइफ क्या है, किस रीज़न से आपको लगता है ये चीज़ें आपको सामना करना पड़ेगी, वो सारी चीज़ें इन डिटेल आप जब मुझे बताएंगे तो ऑब्वियसली मैं कोई आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। तो उस सोल्यूशन के बाद आप फिर उस पर अमल भी करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अगर आप अमल नहीं करेंगे ना तो बिलीव मी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें जो बातें आपको मैं बताता हूँ उन पर आप अमल करें। अच्छा, अभी मैं भाई की एक ईमेल शामिल करने लगा हूँ, इस ईमेल के बाद मैं इसको सोल्यूशन देता हूँ, और जिन लोगों का प्रॉब्लम है, इसी तरह का प्रॉब्लम है, उनको इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर वो यकीन के साथ इस पर अमल करेंगे तो उनका ये प्रॉब्लम हल होने वाला है। चलें ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। भाईजान, आपके यूट्यूब को फॉलो करता हूँ मैं, शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आप मेरे यूट्यूब को फॉलो करते हैं। मुझे पैनिक डिसऑर्डर हुआ था, अभी भी सिम्टम्स जा नहीं रहे, जैसे हाथों में मज़ा ही नहीं आता, उंगलियों में सा कुछ होता है हाथों की, माउथ में वज़न लगता है, अब ये डर है कि कोई मुझे दिमागी ही बीमारी ना हो गई हो। अच्छा, आई एम 21 ईयर ओल्ड, प्लीज़ रिप्लाई करें, सेंट फ्रॉम आईफोन। पहली तो चीज़ ये कि आप मेरे भाई, जो चीज़ आपने बताई है ना पैनिक डिसऑर्डर, इसकी होने की मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं। अब उन रीजंस को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें रीजंस हो सकती हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी रीजंस बहुत सी हो सकती हैं। पहले तो उस रीज़न को आप डायग्नोज करें, कुछ जनरल रीजंस मैं आपको बता देता हूँ, उन रीजंस पे आप काम करें। एक तो ये हो सकता है कि आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी डाइट डिस्टर्ब हो सकती है, आपका जो है वो बस कुछ ना करना, सारा टाइम बैठे रहना, कुछ दोस्तों की गलत कंपनी और कुछ ऐसे वैसे काम, समझते हो ना, 21 ईयर्स के हो तो कुछ ऐसे वैसे काम भी हो सकते हैं, और आपकी एज ऐसी है, इस एज में कुछ ऐसे वैसे काम भी हो सकते हैं, तो ऐसे वैसे कामों से भी बचें, तो कुछ ऐसे वैसे कामों से भी बचें। वेल, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। पैनिक अटैक, फ़र्ज़ करें एक दिन आप बैठे हुए थे, आपको पैनिक अटैक आया, वो पैनिक अटैक जो था वो आपके लिए एक न्यू फीलिंग्स थी, वो आपके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। आपको पैनिक अटैक आया, आप उस चीज़ को लेकर डर गए, उसमें कुछ भी हो सकता है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई होगी, आपकी सांस उखड़ने लगी, आपके पेट में मरोड़ सा उठा, आपके हाथ पांव सुन्न हो गए, बॉडी पेन, कहीं भी चेस्ट पेन, कहीं भी पेन आपको स्टार्ट हुआ। आपने क्या किया, उस कंडीशन को, जब वो नई कंडीशन थी, आपने उसको पकड़ लिया, आप डर गए कहीं ये सब मुझे दोबारा ना हो जाए, कहीं ये सब मुझे दोबारा ना हो जाए। रात हुई, आप डरते रहे, सुबह हुई, आप डरते रहे कहीं दोबारा ना हो जाए, फिर अचानक से दोबारा हो गया। अब वो जब दोबारा हुआ, फिर वही कैफियत आपकी दोबारा हो गई, फिर आपको हाथ पाँव में पसीने आने शुरू हो गए, आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी, व्हाटएवर जो भी आपके सिम्टम्स थे। अब वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपके एक्सपीरियंस में आ गई, जब एक बार से दो बार चीज़ होती है फिर वो हमारे एक्सपीरियंस में आ जाती है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस जब हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, और बिलीफ सिस्टम क्या होता है, जो भी हम चीज़ हमारे बिलीफ में आ जाती है फिर हम वही सोचते हैं कि यही होगा। अब आपने सोचा कि ज़रा सी मेरी हार्ट बीट तेज़ होगी तो मेरे हाथ पांव जो है ना वो कपकपाना शुरू हो जाएंगे, या मेरे दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाएगी, मेरा मुंह खुश्क होना शुरू हो जाएगा, व्हाटएवर जो भी चीज़ थी आपने उस चीज़ को उस चीज़ के साथ लिंक कर दिया, दो चीज़ों को आपने उस चीज़ के साथ जोड़ दिया। अब वो चीज़ आपके पैनिक डिसऑर्डर में आ गई, अब वो पैनिक डिसऑर्डर आपको फिजिकल सिम्टम्स भी दे रहा है। उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से और समझाता हूँ। एक बंदे ने मुझे यूके से कॉल की और कहा कि मैं आपसे कोचिंग लेना चाहता हूँ। मैंने जब उसके केस को देखा तो उसका केस ये था कि वो 1000 से ज़्यादा ECGs करवा चुका था, आलमोस्ट वो हर दूसरे दिन
ECG करवाने चला जाता था। उसका प्रॉब्लम ये था कि ज़रा सी उसकी हार्ट बीट तेज़ होती थी तो उसे लगता था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसने हार्ट अटैक को लिंक कर दिया था अपनी हार्ट बीट के साथ। इसी तरह आपने भी लिंक कर दिया है अपनी सिचुएशन के साथ। अब वो सिचुएशन एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही, आपके पैनिक अटैक जो है वो एक्चुअल में उतने नहीं है जितने ज़्यादा आपने बना लिए हैं, क्योंकि आपने उस सिचुएशन को पकड़ लिया ना, जैसे उस इंसान ने पकड़ लिया था। उसने क्या किया था, ज़रा सी हार्ट बीट तेज़ होती थी, नहीं भी होती थी तो ये सोच सोच के तेज़ कर देता था कि अब हो जाएगी, अब हो जाएगी, अब हो जाएगी। वो करते करते हो ही जाती थी तो फिर वो भागता था हॉस्पिटल की तरफ। आप भी यही कर रहे हैं, आप डर रहे हैं। जितना आप डरेंगे डर से तो उतना डराएगा डर। डर आपको छोड़ेगा नहीं, वो तो कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा ना। आपने खुद कॉन्शियसली अपने आप को बताने के नहीं, आप एक बार कॉन्शियसली सोचें कि सच में आपको दर्दे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको दर्दे हैं, और अगर ये दर्द होती है तो ऐसा तो नहीं होता कि जब आप सोचते तभी होती, फिर तो ये 24 घंटे होती। क्या सर में दर्द हो तो आपके सोचने से क्या दर्द होता है? नहीं ना। आप कहते हो ना मेरे सर में दर्द है, वो दर्द है, दर्द एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ दर्द एग्जिस्ट करते हैं, कुछ सिर्फ हमारे अंदर होते हैं जिनको हमने सोच लिया होता है, जिनको हमने खुद बनाया होता है। और जिनको हमने खुद बनाया होता है उन्हीं को तो हमें मिटाना होता है, और उनको हम मिटा सकते हैं, बड़ी आसानी से मिटा सकते हैं, आसानी से मिटा सकते हैं। आसानी से लफ्ज़ ये है कि ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। कभी आपने सर्कस में देखा होगा ना, सर्कस अगर आपने देखी हो तो क्या होता है, एक लड़की के सर पे सेब रखा जाता है और दूर एक लड़का खड़ा होता है। वो लड़का आंखें बंद करके ऐसे चाकू फेंकता है और वो जाके सीधा लड़की के सर के ऊपर जो पड़ा सेब है उसके ऊपर लगता है। वो कितना आसान होता है उस लड़के के लिए, लेकिन आपके लिए या मेरे लिए वो इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए वो आसान होगा क्योंकि उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। आप भी जिस चीज़ के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ आपके लिए उतनी आसान हो जाएगी। पहली चीज़ आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके कुछ इमेजेस की वजह से हो रहा है, कुछ नेगेटिव इमेजेस की वजह से हो रहा है। वो नेगेटिव इमेजेस जब आपके सामने आते हैं तो आप उनके साथ डर की फीलिंग्स जोड़ देते हैं। तो नेगेटिव इमेजेस को रिमूव करने के लिए मेरी वीडियो बनी हुई है, हाउ टू रिमूव नेगेटिव इमेजेस, इरेज नेगेटिव इमेजेस, बैड इमेजेस। मैं वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। उसको आपने बार बार देखना है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है कि कैसे आप माइंड से नेगेटिव इमेजेस को निकाल के पॉजिटिव इमेजेस डाल सकते हैं। देखिए ये हमारे ऊपर है ना, हम अपने दिमाग को कुछ भी इमेज दिखा सकते हैं, और यहाँ जो हमारा दिमाग हमें दिखा रहा है हमारे ऊपर है, हम वो देखें या ना देखें। वो फोर्सफुली तो हमें नहीं दिखा सकता, वो कोशिश करे भी तो हम अगर नहीं दिखाना चाहेंगे उसे तो वो नहीं देखेगा। तो आपने सबसे पहले तो अपने इमेजेस को, बैड इमेजेस को रिमूव करना बड़ा ज़रूरी है। जब आपके माइंड से बैड इमेजेस, अभी आप आंखें बंद करें तो आपको वो पहला पैनिक अटैक याद आएगा तो आप अभी परेशान हो जाएंगे, थोड़े से पैनिक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस पैनिक सिचुएशन को और उस बुरे इमेज को अलग कर दें दोनों, और उस बुरे इमेज के साथ अच्छी फीलिंग्स जोड़ दें, तो फिर जब वो बुरा इमेज आपके सामने आएगा आपको क्या महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा ना। तो पहले तो आप उससे फीलिंग्स को अलग करें, उस बुरे इमेज को अपने माइंड से निकाल के पॉजिटिव लाएं। पॉजिटिव कैसे इमेज बना सकते हैं? पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए को विजुलाइजेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। वो सिंपली आप कर सकते हैं, रेगुलरली बेसिस पे विजुलाइजेशंस करें, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ करें। नॉर्मली जब आप मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इस सारी विजुलाइजेशंस को करेंगे तो आपका जो माइंड है उसको ये सिग्नल मिलेगा कि ये डर का इमेज नहीं है, ये तो अच्छा इमेज है, इससे डरना नहीं है, इससे हम मुझे कोई ख़तरा नहीं है। जब आपका खतरा उस चीज़ से अलग हो जाएगा, फियर उस चीज़ से अलग हो जाएगा, तो वो इमेज आपके लिए अच्छा हो जाएगा। रेगुलरली बेसिस पे मेडिटेशन करें, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करें, अल्लाह पे यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें, इन वीडियोस पे यकीन रखें, अच्छी नींद लें, जल्दी उठें, जल्दी सोएं, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज रेगुलरली बेसिस पे करें। और हाँ यार, डायरी को मेंटेन करें रोज। डायरी इज़ अ बेस्ट फ्रेंड, डायरी आपकी बेस्ट फ्रेंड है। जितना हो सके ब्लैक एंड वाइट करते रहें, लिखते रहें। जो लिखना है ना, इट्स मीन कि ये आपको एक्सप्रेस कर देता है, और जितना आप एक्सप्रेस होते जाएंगे उतने आप हल्के होते जाएंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको विद इन अ डेज इस सिचुएशन से लेके इस सिचुएशन को निकाल के बाहर ले आएंगी। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे वॉइस मेल कर सकते हैं, अगर वॉइस मेल नहीं करना तो आप ईमेल कर सकते हैं। वॉइस मेल के लिए नीचे मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इस व्हाट्सएप पे सिर्फ आप इससे रिलेटेड वॉइस मेल कीजिएगा। ये नहीं कि मुझे 2 मिनट फ्री दे दें, मुझे 4 मिनट फ्री दे दें, किसी को 1 मिनट भी फ्री नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम नहीं होता। माजरत के साथ चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिएगा,
प्लीज़ मुंह ना बनाइएगा, रूठिएगा नहीं, नाराज नहीं होइएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।